नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लूसेंट जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीके एग्जाम में आते, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, सीएसएल, सीजीएल, सीपीओ, बैंक का कोई एग्जाम है, सीटेट का एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम है, या फिर कोई भी एग्जाम हो दोस्तों जहाँ जीके आती, चाहे स्टेट लेवल पर एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे ताकि जो भी आपके डाउट हैं साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिएगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है दलाल स्ट्रीट, दोस्तों याद रखना मुंबई में है। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय यानी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक कौन है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक कौन है, तो कौन है दोस्तों, आईडीबीआई है। तो डी रहेगा राइट आंसर, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक आईडीबीआई है, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बुल एंड बियर शब्द का प्रयोग कहां होता है। बुल एंड बियर शब्द का प्रयोग कहां, शेयर बाजार में होता है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, शेयर बाजार। नेक्स्ट है भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है, कितनी है भारत में स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या, कुल 23 है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है नास्डेक कहाँ का शेयर बाजार है। नास्डेक कहाँ का शेयर बाजार है, अमेरिका का शेयर बाजार है नास्डेक, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, अमेरिका। नेक्स्ट है डी जोन्स कहाँ का शेयर सूचकांक है। डी जोन्स कहाँ का शेयर सूचकांक है, न्यूयॉर्क का शेयर सूचकांक है डी जोन्स, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एफसीआई की स्थापना कब हुई थी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1965 में हुई थी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में हुई थी, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी, जल्दी से बताना कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी, 1929 में आई थी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, भी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सीडीबी की स्थापना कब हुई थी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, अक्टूबर 1990 में हुई थी, कब हुई थी अक्टूबर 1990 में, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की जो शुरुआत है कब की गई थी, कब की गई थी, 6 अप्रैल 1948 को की गई थी, 6 अप्रैल 1948 को की गई थी स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की शुरुआत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये आप लोग अच्छे से दोस्तों याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, सबसे बड़ा उद्योग पूछा है भारत का कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, कौन सा है सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, 1956 में, 1956 में, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह कब प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था, तो 1897 में प्रारंभ हुआ था भारत में प्रथम विद्युत शक्ति गृह, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, 1897। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सामानों की गुणवत्ता को कौन प्रदर्शित करता है,
कौन करता है? आईएसआई मार्क करता है प्रदर्शित इलेक्ट्रॉनिक सामानों की गुणवत्ता को, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हॉलमार्क योजना कब प्रारंभ की गई, कब प्रारंभ की गई हॉलमार्क योजना? तो 12 अप्रैल 2002 में प्रारंभ की गई थी हॉलमार्क योजना, तो बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान किस राज्य में है? दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है, सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है भारत में? रेलवे है सबसे बड़ा नियोक्ता, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर रेलवे। नेक्स्ट है वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी, ए ऑप्शन रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में हैं, सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में हैं? तो भारत में है, अपने भारत में, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को कौन प्रदर्शित करता है, कौन करता है प्रदर्शित कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को? तो एक मार्क करता है, बी रहेगा राइट आंसर, एक मार्क बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला कहाँ है, केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला कहाँ है? नागपुर में है केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला, सी रहेगा राइट आंसर नागपुर। नेक्स्ट है सेल की स्थापना कब हुई थी, सेल की स्थापना कब हुई थी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी सेल की स्थापना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जी हाँ देखिए सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है, कपास को कहते हैं सफ़ेद सोना, ठीक है डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट स्वर्ण द्रव किसको कहा जाता है, स्वर्ण द्रव किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को कहा जाता है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर पेट्रोलियम, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत का विदेशी व्यापार किस देश में सबसे अधिक होता है, भारत का विदेशी व्यापार किस देश में सबसे अधिक होता है? तो अमेरिका में होता है दोस्तों, याद रखना आप लोग, भारत का विदेशी व्यापार सबसे अधिक, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में विदेशी निवेश करने वाला पहला देश कौन है, मॉरिशस है भारत में विदेशी निवेश करने वाला पहला देश, बी रहेगा राइट आंसर मॉरिशस। नेक्स्ट ज्ञान प्रकाश समिति किस घोटाले से संबंधित है, तो ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध है चीनी घोटाले से, किससे है? चीनी घोटाले से, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम से है सुंदर राजन समिति का संबंध, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर पेट्रोलियम। नेक्स्ट है भगवती समिति का संबंध किससे है, भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से है, किससे है? बेरोजगारी से है भगवती समिति का संबंध, डी रहेगा राइट आंसर बेरोजगारी। नेक्स्ट है हजारी समिति का संबंध किससे है, हजारी समिति का संबंध है औद्योगिक नीति से, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, किससे है? औद्योगिक नीति से है हजारे समिति का संबंध। नेक्स्ट है बिग पुश सिद्धांत, बिग पुश सिद्धांत माफी चाहता हूँ, बिग पुश सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था बिग पुश सिद्धांत? तो रोडन ने दिया था, किसने? रोडन ने दिया था बिग पुश सिद्धांत, बी रहेगा राइट आंसर रोडन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? 1999 से लेकर 2000 में लागू की गई थी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कपार्ट का मुख्यालय कहाँ है, कपार्ट का मुख्यालय पूछा है कहाँ है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो नई दिल्ली में है दोस्तों कपार्ट का मुख्यालय, कहाँ है? नई दिल्ली में है कपार्ट का मुख्यालय, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार क्या है, क्या है
सम सीमांत है। देश में सर्वाधिक जोतों का जो प्रकार है सम सीमांत है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सम सीमांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोतों का आकार सबसे ज्यादा किस राज्य में है? जोतों का आकार सबसे ज्यादा किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है जोतों का आकार सबसे ज्यादा, तो बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट, जोतों का आकार सबसे कम किस राज्य में है? जोतों का आकार सबसे कम किस राज्य में है? किस राज्य में? केरल राज्य में है जोतों का आकार सबसे कम, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? 1966 to 67 में, 1966-67 में हुई थी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है रबी की फसल, सी रहेगा राइट आंसर, अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट है, खरीफ फसल कब बोई जाती है? खरीफ की जो फसल है कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ की फसल, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जून जुलाई ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया? विलियम गोल्ड ने किया था हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। दोस्तों शब्द पूछा है, शब्द का प्रयोग पूछा है, ना कि शुरुआत पूछी है, ठीक है ना, जनक नहीं पूछा है, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गोड ने किया था। ठीक है, अच्छा, हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसको माना जाता है? हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गोड ने किया था, लेकिन जन्मदाता दोस्तों एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है, एमएस स्वामीनाथन को। ठीक है, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभावित फसल कौन सी है? सबसे अधिक प्रभावित फसल कौन सी है हरित क्रांति से? तो हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित फसल गेहूं है। कौन है? गेहूं है। हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित फसल, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति के समय भारत का कृषि मंत्री कौन था? हरित क्रांति के समय भारत का कृषि मंत्री कौन था? सी एस सुब्रमण्यम था, सी एस सुब्रमण्यम, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सी एस सुब्रमण्यम हरित क्रांति के समय भारत की कृषि मंत्री थी, डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का जनक पूछा है किसको माना जाता है? फिलीपींस को माना जाता है हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक माना जाता है फिलीपींस देश को, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम हरित क्रांति किस राज्य में आई थी? सर्वप्रथम हरित क्रांति पूछा है किस राज्य में आई थी? पंजाब राज्य में आई थी, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पंजाब। नेक्स्ट, पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तिलहन, तिलहन के उत्पादन से है पीली क्रांति का संबंध, तिलहन, तिलहन के उत्पादन से है पीली क्रांति का संबंध, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भूरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? भूरी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? रासायनिक उर्वरक के उत्पादन से है भूरी क्रांति का संबंध, सी रहेगा राइट आंसर, रासायनिक उर्वरक। नेक्स्ट है, लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस और टमाटर से है लाल क्रांति का संबंध, मांस और टमाटर से, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से, किससे? झींगा उत्पादन से है गुलाबी क्रांति का संबंध, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, झींगा उत्पादन। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है?
श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, दूध से श्वेत क्रांति का संबंध। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो लोग पहली बार आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बनाएं। चलिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।